हाय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन फिजिक्स क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे रे ऑप्टिक्स। तो रे ऑप्टिक्स में हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं, बचपन से जो पढ़ते आ रहे हैं कि इंसिडेंट रे क्या होता है, रिफ्लेक्टेड रे क्या होता है, रियल इमेज क्या होता है, वर्चुअल इमेज क्या होता है, ये सब चीज छोड़ करके आज हम लोग अपने मेन टॉपिक पे फिजिक्स की न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ेंगे। तो फिजिक्स की न्यूमेरिकल आज हम लोग प्लेन मिरर पढ़ेंगे। प्लेन मिरर पढ़ने से, प्लेन मिरर में जो बेसिक बातें हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये नॉर्मल है, ये कोई सरफेस था, ये सब सारी चीज आप लोग पढ़े हैं। इसमें जो एक बेसिक है हम लोग को जो न्यूमेरिकल में हेल्प करेगी वो है एंगल ऑफ डेविएशन। इंसिडेंट रे को हम आगे बढ़ाते हैं तो इंसिडेंट रे और जो आगे बढ़ा रहे हैं जिसको इमर्जेंट रे बोलते हैं और आर, इस दोनों के बीच का एंगल जो है वो एंगल ऑफ डेविएशन होगा। वो कितना होगा अगर इस रे की बात करें तो टोटल एंगल 180 होगी। इसमें से आई और माइनस और आर दोनों एंगल माइनस कर दें तो हमारा एंगल ऑफ डेविएशन निकल के आ जाएगा। इसको 2i भी लिख सकते हैं क्योंकि i बराबर r होता है। यह बराबर कितना हो जाएगा, 2r भी लिख सकते हैं। ये ग्लेंसिंग एंगल है तो ये बराबर ये g बराबर ये एंगल बराबर ये एंगल और ये एंगल बराबर ये एंगल तो i बराबर 2i भी लिख सकते हैं। 180 माइनस 2i नहीं तो 2g भी लिख सकते हैं। ये हमारा एक रिलेशन हो गया जो हम लोग को न्यूमेरिकल में हेल्प करेगी। अब दूसरे टॉपिक में पढ़ते हैं कि अगर इंसिडेंट रे को फिक्स रखा जाए और मिरर को किसी एंगल से घुमा दिया जाए, मान लीजिए ये मिरर है, कोई इंसिडेंट रे आई तो अब क्या कह रहा है कि इसमें इंसिडेंट रे को फिक्स रखे और इस मिरर को थीटा एंगल से घुमा दिए। थीटा एंगल से अगर घुमा दिए तो हमारा रिफ्लेक्टेड रे कितना डिग्री से घूम जाएगा। तो अगर मिरर को थीटा डिग्री से घुमाते हैं तो हमारा रिफ्लेक्टेड रे 2θ से रोटेट कर जाएगा। यह हमारा नीट का क्वेश्चन और मेंस दोनों में आ सकता है और आपको 4 नंबर दे के जाएगा अगर आ गया तो, इसलिए इस बात को याद रखेंगे और इससे जुड़ी हुई जो बेसिक क्वेश्चन है वो हम लोग बनाते हैं। तो आइए अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एंगल बिटवीन टू प्लेन मिरर्स सच दैट ए रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन द फर्स्ट मिरर एंड पैरेलल टू द सेकेंड मिरर इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द सेकेंड मिरर पैरेलल टू द फर्स्ट मिरर। तो फर्स्ट सेकेंड मिरर के पैरेलल में लाइट आ रही है, उसके बीच का एंगल थीटा मान लिए और पैरेलल का कंडीशन से एंगल ऑफ मिरर दोनों बीच का एंगल, दोनों बीच के मिरर का एंगल भी थीटा हो गया। उसी तरह आई बराबर आर तो सारा एंगल थीटा और ट्रायंगल का तीनों कोनों का सम 180 डिग्री होता है तो वहाँ से हमारा थीटा निकल के आ गया 60 डिग्री। अभी जैसा क्वेश्चन आप लोग देखे हैं सेम क्वेश्चन एक और देखते हैं।